रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आईपीएल इतिहास की सबसे पॉपुलर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल 2020 की ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखिएगा बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी चाहते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आईपीएल 2020 में चैंपियन बने, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता देते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास पर्स मनी जो है वो कितना बचा हुआ है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास टोटल 27,90,00,000 रुपए पर्स मनी है, जो कि काफ़ी अच्छी रकम होती है। इनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स को खरीद सकती है। और बात कर लेते हैं खाली स्थान के बारे में, तो टोटल 12 प्लेयर्स आरसीबी की टीम परचेज कर सकती है, जिसमें से मैक्सिमम 6 जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स को आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 में अपनी टीम में शामिल कर सकती है ऑक्शन के द्वारा। तो दोस्तों, इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉरेन ऑलराउंडर्स के बारे में। फॉरेन ऑलराउंडर्स में आरसीबी की टीम किन प्लेयरों के पीछे भागने वाली है, तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं सैम कुरन, दूसरे नंबर पर जेम्स नीसम और तीसरे नंबर पर क्रिस मॉरिस और चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल। तो दोस्तों, मार्कस स्टोइनिस के स्थान पर आरसीबी की टीम जो है वो सैम कुरन नहीं तो जिमी नीसम के पीछे जरूर जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे बैटर है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे बॉलर भी हैं और ये आरसीबी की टीम को काफ़ी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल के पीछे जाने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि उनका प्राइस मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और आरसीबी की जो टीम है वो नहीं चाहेगी अपना ज़्यादा पर्स मनी जो है वो ग्लेन मैक्सवेल के पीछे खोना, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो आईपीएल से बाहर भी हो सकते हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्तों, इस लिस्ट में आते हैं हमारे ओपनिंग प्लेयर पार्थिव पटेल के स्थान पर आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में रॉबिन उथप्पा, राहुल त्रिपाठी, मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो के पीछे जा सकती है, क्योंकि दोस्तों अगर पार्थिव पटेल को आरसीबी की टीम बाहर करती है तो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी जो है वो रॉबिन उथप्पा और राहुल त्रिपाठी दे देते हैं। वही हार्ड हिटिंग ऑप्शन के बारे में बता दे तो मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो जो है वो हार्ड हिटिंग ऑप्शन देते हैं आरसीबी की टीम को। और फ्रेंड्स, अब तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, तो तीसरे नंबर पर इस टीम में जो मेन टॉपिक है वो है फास्ट फॉरेन बॉलिंग। तो इसमें मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, सेड्रन कॉटरेल और मैट हेनरी आते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बॉलिंग जो है वो काफ़ी मजबूत नहीं है, तो ऐसे में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस के पीछे आरसीबी की टीम जरूर जाना चाहेगी और साथ ही साथ मैट हेनरी और सेड्रन कॉटरेल के लिए भी बिड कर सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आरसीबी की टीम जो है वो आईपीएल 2020 के ऑक्शन में फास्ट बॉलिंग में सेड्रन कॉटरेल नहीं तो मिचेल स्टार्क के पीछे जाने वाली है। और अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं चौथे नंबर पर, जो चौथा कौन सा टॉपिक है जिस पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जो है वो बीट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, चौथा टॉपिक जो है वो आरसीबी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो है ओपनिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग में जो है आरसीबी की टीम के लिए इयान मॉर्गन, मैक्सवेल और डेविड मिलर आ सकते हैं, क्योंकि इयान मॉर्गन जो है वो कैप्टनशिप में भी काफ़ी अच्छे योगदान विराट कोहली का दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो चार टॉपिक्स जिस पर आरसीबी की टीम आईपीएल 2020 के ऑक्शन में जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आरसीबी से जुड़ी सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी।